नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेतागण का शुक्रिया अदा करती हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी, हमारे अमित भाई शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, लोढ़ा जी, आशीष जी, हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी और मेरे सभी नेता और मेरे सभी कार्यकर्ताओं की मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे को पार्टी ने लोक प्रतिनिधि तरीके से 5वीं बार ये मौका दिया है, इसीलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये इतर पार्टी से कैसे अलग पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को 33% आरक्षण संगठन में दिया है, इसीलिए मैं महाराष्ट्र की प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। जब भी 2002 में मैं भारतीय जनता पार्टी ठाणे ग्रामीण की पेरेंट्स बॉडी की अध्यक्ष थी। मैंने पार्टी का काम करते समय मेरे को कभी भी पार्टी ने महिला तरीके से सम्मानित नहीं किया, तो पार्टी ने मेरे को जो काम दिया वो मैंने काम किया। इसीलिए पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, उसका हर एक कार्यकर्ता का CR हमारे पक्ष नेता के पास रहता है और पक्ष कभी भी उसका हमें मुबदला देता है। ऐसे ही मेरे पार्टी ने दोबारा मेरे को चांस दिया, इसीलिए मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आने वाले 2019 अभी जो 2019 में हमारा चुनाव है, इसमें मैंने जो गत 5 साल में जो प्रोजेक्ट किए हैं, वो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो सभी प्रोजेक्ट पूरा करने का मेरी मंशा है। उसमें दहिसर नदी का पुनर्वसन का काम चालू है, वो आने वाले चुनाव के पहले दहिसर नदी का पुनर्वसन होना है। वैसे ही मैनग्रोव पार्क का जो प्रोसेस में है, वो पूरा मैनग्रोव पार्क 30 हेक्टर में करने का है। तीसरा जो हमारे PAP का 4000 प्रोजेक्ट जिसका भूमि पूजन हुआ है, वो प्रोजेक्ट करना है। और दहिसर वासियों को जो हमारे देवेंद्र जी ने चारकोप तक हमारी मेट्रो चलने वाली थी, वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी ने दहिसर तक लाई, वो पूरा काम हमको मेट्रो का भी करना है। वैसे यहाँ एक बड़ा मेरे दहिसर विधानसभा में जो हमने भवदेवी ग्राउंड में नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चालू किया है, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोग पूरा करेंगे। दूसरा भगवती हॉस्पिटल है, वो सुपर स्पेशलिटी भगवती हॉस्पिटल हमें आगे 2-3 साल में वो पूरा करने का है। लोगों की जो समस्या है ट्रैफिक की, वो ट्रैफिक की समस्या सुलझाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। चुनाव प्रचार का कभी भर रही हूँ, गत 5 साल में मैं चुनाव 2014 में चुन के आने के बाद ही मैंने 2019 की शुरुआत की थी, इसीलिए अभी मेरे को कुछ तकलीफ आएगी नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन में मैं जमीन पे जुड़ी हुई कार्य करती हूँ। पिछले 2014 के चुनाव में मैंने गणपत पाटिल नगर के रहवासियों को बोला था कि आप मेरे को चुन के देंगे तो मैं गणपत पाटिल नगर का विकास करूंगी। गणपत पाटिल नगर का विकास करते समय मेरे को बोलने के लिए बहुत खुशियां होती है कि गणपत पाटिल के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, गणपत पाटिल नगर के 1 से 14 गली में पानी का कनेक्शन दे के लोगों के घर में पानी लाने का मैंने प्रयास किया और काम पूरा किया। दूसरा, गणपत पाटिल नगर के लोगों के लिए लाइट की बहुत समस्या थी, वो लाइट का भी काम चालू है। तीसरा, गणपत पाटिल का स्लम डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस चालू की और हमने 15,65,000 वहाँ पैसे भी SRA के माध्यम से सर्वे के लिए भरे हैं। जल्दी ही हम चुनाव खत्म होने के बाद दिसंबर जनवरी में हम लोग गणपत पाटिल नगर का बायोमेट्रिक चालू करके 2022 तक प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को घर देना है, तो मैं मेरी मंशा पूरी करूंगी कि गणपत पाटिल के नगर के लोगों को घर देंगे।